टीम इंडिया के प्लेयर्स हमारे सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस को जो पल पिछले 12 साल से नसीब नहीं हो सका था, उस पल का एहसास कराने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपने मिशन का आगाज 5 जून के आयरलैंड से होने वाले मैच में करेगी। हम और आप इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम इंडिया के जलवे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी नजरें पूरी तरह से टीम इंडिया के मिशन पर है और रोहित शर्मा एंड कंपनी के हाथ में ट्रॉफी देखने पर। लेकिन दोस्तों, इंडियन क्रिकेट में सेलेक्ट होने की कतार में खड़ा एक प्लेयर ये वर्ल्ड कप नहीं देखना चाहता है, वो हमारी टीम इंडिया को खेलते हुए नहीं देखना चाहता है। हर एक इंडियन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैन इन ब्लू के परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक इंडियन प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में जगह ना मिलने से इतना खफा है कि उसने ये तक कह दिया कि वो इस बार T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं देखना चाहेगा। वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम में IPL में परफॉर्मेंस करने वाले कई स्टार शामिल है, लेकिन स्टार परफॉर्मेंस में से एक नाम था रियान पराग, जिसे टीम इंडिया में सेलेक्ट होने से खूब उम्मीद थी, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सके। टीम में सिलेक्शन ना होने का दर्द अब उनकी जुबां पर आया है, जहां पराग ने हैरान करने वाली बात कह दी है। रियान पराग ने एक इंटरव्यू में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल करने पर कहा कि टॉप 4 टीमों की बात करना फेयर नहीं होगा, लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा। मैं बस आखिर में देखूंगा कि कौन जीता और खुश रहूंगा। जब मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा उस वक्त मैं टॉप 4 टीमों के बारे में विचार करूंगा। रियान पराग ने रिसेंटली ही कहा था कि वो एक दिन जरूर इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, एक समय आपको मुझे लेना ही होगा, ये मेरा भरोसा है, मैं भारत के लिए खेलूंगा, ये कब होगा मुझे इसकी परवाह नहीं है। रियान पराग के इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर साझा करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।